ओम श्री गणेशाय नमः। जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम एक वीकली रीडिंग करने जा रहे हैं कैंसर साइन के लिए, जिसमें हम देखेंगे कि आने वाला हफ्ता यानी कि अप्रैल 15 to 21 आप सब लोगों के लिए कैसा रहेगा। ये एक जनरल रीडिंग है, और अगर आप पहली बार चैनल पे आ रहे हैं, वेलकम यू। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बाकी की डिटेल्स अपॉइंटमेंट के लिए वो ऊपर स्क्रीन पर आ रहे हैं, आप चेकआउट कर सकते हैं। और डेली टैरो रीडिंग के लिए आप हमें इंस्टा पे और फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। सो लेट्स बिगिन द रीडिंग ऑन अ पॉजिटिव नोट, और देख लेते हैं कैंसेरियंस कर्क राशि के लोगों के लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं डिवाइन की तरफ से। ये हफ्ता क्या चेंजेस लेकर आ रहा है ओवरऑल। ओके, सो री इन्वेंट योर सेल्फ का कार्ड आ रहा है। सो टाइम फॉर अ चेंज, टाइम फॉर अ ट्रांसफॉर्मेशन। तो ये हफ्ता आपके लिए ट्रांसफॉर्मेशन यानी कि चेंज लेकर आ रहा है। चेंज होता है, हल्का सा आपकी लाइफ में कुछ चेंज आ रहा है, कुछ ट्विस्ट और एनीथिंग, बट ट्रांसफॉर्मेशन समटाइम्स इज अ हैवी चेंज। ठीक है, कि हो सकता है एक बहुत बड़ा बदलाव जिसे हम कह सकते हैं। सोसाइटी, एंजल्स आपको कह रहे हैं थोड़ा बाहर निकलिए, ट्रैवल कीजिए, यू नो, अपने कंफर्ट जोन से, अपने जोन से बाहर निकल के कुछ ट्राई कीजिए नया। वाई? बिकॉज ये एक कॉलिंग है आपके लिए, यहाँ से आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़ यू नो स्टार्टअप हो सकती हैं, कुछ नई अपॉर्चुनिटीज़ आपकी तरफ आ सकती हैं, एक्सेलेंट नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटीज़ और न्यू लव इंटरेस्ट हो। तो अगर आप सिंगल हैं तो बहुत अच्छा टाइम है नेटवर्किंग के लिए, लोगों से कनेक्ट करेंगे, बात करें, यू नेवर नो, आपको आपका कोई यू नो ट्रू पार्टनर मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। Enjoy a new lease of life. तो एंजल्स कह रहे हैं कि enjoy that new life, जो आप you know आपकी life में बहुत changes आएंगे। So it's like कि आपका नया जन्म ऐसा भी कह सकते हैं। ठीक है, तो अपनी उस new life को enjoy कीजिए। Travel, long distance communication, कोई किसी से बात हो सकती है, कम्युनिकेशन हो सकती है, कोई दूरी पे हो, यू नो आपको जानता हो तो आपकी किसी से कुछ बात हो सकती है, कम्युनिकेशन हो सकती है, दैट कैन ओपन अप योर लाइफ। सो आपकी लाइफ में आपके कहते हैं ना एक नए दरवाजे खुल सकते हैं। तो दो बातें तो ये हो गई कि कनेक्ट कीजिए, लोगों से कनेक्ट कीजिए, नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटीज़ अभी आपके करियर को लेके भी हो सकता है, ये करियर को लेके भी कुछ न्यू अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ से बन सकती हैं। एंड ऑफकोर्स ट्रैवल से भी कह रहे हैं कि एंजल्स लाइक लॉन्ग डिस्टेंस आप ट्रैवल भी कर सकते हैं, एक्साइटिंग एक्सपीरियंस हो सकता है। आप कहीं भी प्रोग्राम बना रहे हैं तो एक्साइटिंग एक्सपीरियंस हो सकता है आपके लिए, अच्छा एक्सपीरियंस हो सकता है। एंड इफ़ यू आर सिंगल देन बी रेडी टू मिंगल, क्योंकि ये एक अच्छा है, चांस है आपके लिए, तो गो ग्रैब अ चांस। आपको नहीं पता कि हो सकता है आपका सोलमेट कहीं वेट कर रहा हो, तो ठीक है ना, अपने जोन से बाहर निकलिए। और लेटली हो सकता है आपने बहुत टफ टाइम देखा है अपनी लाइफ में, यू हैव बीन फेसिंग, और अब अच्छा टाइम आ रहा है, बट कभी कहते हैं ना अच्छा टाइम लाना भी पड़ता है, सो यू हैव टू मूव। चलिए और देख लेते हैं रिलेशनशिप वाइज एंजल्स आपको क्या कहना चाह रहे हैं कैंसेरियंस के लिए, ये वक्त कैसा होने वाला है रिलेशनशिप की अगर बात करें। हीलिंग फैमिली इश्यूज, तो किसी के साथ कनेक्ट करके कुछ चीज़ें ठीक की जा सकती हैं। अच्छा, एक और चीज़ बड़ा ही खास मैसेज आ रहा है, वो ये है कि योर लव लाइफ बेनिफिट्स एज यू फॉरगिव योर पेरेंट्स। तो जैसे ही आप अपने पेरेंट्स को माफ़ करते हैं, ठीक है ना, कुछ लोगों के हो, हाँ देखिए हम कौन होते हैं, पेरेंट्स वो हमसे बड़े होते हैं, ठीक है, तो अगर कुछ मन में कुछ ग्रजेस है, कुछ डाउट है कि ऐसा हो गया था, उन्होंने ऐसा कह दिया था, या उनकी वजह से रिश्ता नहीं हो पाया, या वगैरह वगैरह वगैरह, ठीक है, सो इन सब चीज़ों को लेट गो कीजिए। वाई? बिकॉज एज यू फॉरगिव, जब आप फॉरगिव करते हैं, जब अपने आप अपने मन से ये बातें निकाल देते हैं कि किसी की गलती की वजह से हुआ, तो आप अपने मन पे से एक बहुत ज़्यादा हैवी बर्डन जो है वो रिलीज़ कर देते हैं। रिलीजियस फैक्टर्स का कार्ड आ रहा है, दैट मीन्स कि योर लव लाइफ इज़ इन्फ्लुएंस्ड बाय रिलीजियस अपब्रिंगिंग एंड स्पिरिचुअल पाथ। सो मे बी हो सकता है ये डिफरेंस भी आ रहा है कि आप लोगों की जो सोच है वो थोड़ी डिफरेंट है, अलग है, और आपके और आपके पार्टनर के बीच में इस वजह से भी डिफरेंसेस आ रहे हैं, क्योंकि आप लोगों का सोच
सोचने का तरीका अलग है या रिलीजियस बैकग्राउंड लाइक अलग है कुछ. फॉरगिविंग एंड लर्निंग. सो अगेन फॉरगिविंग फॉरगिविंग, तो भाई किसको माफ़ करना है तो कर दीजिए, तो वो आपके लिए बहुत अच्छा होगा. एज़ यू रिलीज एंड हील द पास्ट, जब आप पास्ट से निकल जाते हैं, जब आप पास्ट की बातों से निकल जाते हैं, जब आपको ये फ़र्क नहीं पड़ता कि किसने क्या कहा या आप किसी की वजह से ये सब हो रहा है, किसी की वजह से कुछ नहीं होता, जो कुछ होता है यू आर होली रिस्पॉन्सिबल, आप ये मान के चलिए, ठीक है, तो ऑटोमेटिकली यू नो सारा कुछ अच्छा होने लग जाता है. तो एंजल्स कह रहे हैं कि प्लीज़ मेक श्योर कि आप फॉरगिव कर दें, फॉरगेट कर दें और माफ़ कर दें, तो आई थिंक आपकी जो लाइफ है वो बेनिफिट होगी, आपके लिए काफ़ी अच्छा साबित होगा ये हीलिंग फैमिली इश्यूज. ओके, तो इस बात का बेहद बेहद ध्यान रखिए. तो ये तो हो गई आपकी लव लाइफ की क्या हो सकता है, और यू नो इट्स टाइम कि आप एक नई शुरुआत करें और अलाउ द सिचुएशन टू अनफोल्ड नेचुरली. दैट मीन्स कि कुछ हद तक आप कोशिश कर सकते हैं, कुछ हद तक आप कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन कभी कभी आपको चीज़ों को लेट गो करना पड़ता है. तो यहाँ आपको देखना है कि व्हाट यू नो कि ये कैसे आपको रिलेट कर रहा है, कैसे आपको ये यू नो रेजोनेट कर रही है. हो सकता है फाइनेंसेस एंड करियर की वजह से भी ये हो, फाइनेंशियल इश्यूज आर अ फैक्टर इन योर लव लाइफ, या पास्ट में कुछ ऐसा रहा हो और आप किसी को माफ़ ना कर पा रहे हो, या मन में कुछ ग्रजेस हैं, कुछ बातें हैं, तो दोनों साइड से, या डिसेप्शन, यू नो समवन इज़ वियरिंग अ फॉल्स मास्क, तो क्लियरली यू हैव टू लाइक मास्क हटा के सारी चीज़ों को आपको. ये एक और चीज़ भी हो सकती है कि हो सकता है इस वजह से आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, ये चीज़ आपको रोक रही है, ठीक है, लाइक आप अपनी तरफ से कोशिश तो पूरी कर रहे हैं, कॉलिंग इन योर सोलमेट एनर्जी आ रही है, दैट मींस यू आर ट्राइंग, आप अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं, बट वो इसलिए नहीं हो पा रहा क्योंकि आप पास्ट से निकल नहीं पा रहे हैं. आपकी लव लाइफ, चाहे आप मैरिड ही क्यों ना हो, आपकी लव लाइफ इसलिए बेनिफिट नहीं कर रही क्योंकि ये सब इश्यूज आ रहे हैं. तो जब आप इन इश्यूज में से, मान लीजिए हस्बैंड वाइफ है, कोई बात हो गई, छोड़ दीजिए, पास्ट में ये हुआ था छोड़ दीजिए, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे, नहीं तो आप पीछे ही देखते रह जाएंगे, आगे नहीं बढ़ पाएंगे. तो ये कहना चाह रहे हैं बेसिकली एंजल्स. अब करियर की बात कर लेते हैं, करियर वाइज कैसा रहेगा ये हफ्ता. सो करियर वाइज एक्सपेंशन का टाइम है, आई थिंक टीम वर्क है, कुछ अच्छा हो सकता है, पॉजिटिव कुछ हैप्पी न्यूज़, गुड न्यूज़ आपको मिल सकती है रिलेटेड टू योर वर्क, एंड कुछ अच्छा मुझे अच्छा दिखाई दे रहा है, ऐसा लगता है दैट यू आर ऑलरेडी, आप कुछ अच्छा कर रहे हैं, पॉजिटिव कर रहे हैं अपनी लाइफ में, ऑफकोर्स पॉजिटिव बात की तरफ बढ़ रहे हैं, रिकग्निशन यहाँ दिखाई दे रही है, और मुझे और एक्सपेंशन दिखाई दे रहा है यहाँ पे, और शायद काम से रिलेटेड भी यू नो आपको कहीं आना जाना पड़ सकता है, या आपको देखिए आपके यू नो नेटवर्किंग आपकी अच्छी हो सकती है, स्ट्रॉन्ग यहाँ पे भी हमें दिखाई दे रहा है. मे बी इट्स ऑल्सो अबाउट अ सेलिब्रेशन एट वर्क प्लेस, या ऑफिस पार्टी हो सकती है, बट समथिंग हैप्पी, कुछ गुड न्यूज़ हो सकती है, कुछ अच्छा हो सकता है पॉजिटिव, जो आपको चेयर अप कर सकता है, जो आगे के लिए आपके लिए रास्ते भी खोल सकता है, ये बात मान के चलिए, ठीक है. और हो सकता है दैट यू आर अवे यू आर एन इंट्रोवर्ट और लेजी पर्सन, बट मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि ऑफकोर्स जोन एक उस जोन में से निकल के आप आगे बढ़िए, और कुछ डोर्स आपके लिए यू नो ओपन अप हो रहे हैं, एंड इवन बिजनेस ऑल्सो, लाइक बिजनेस के लिए भी हो सकता है कि कुछ लोग अगर आप यू नो आपको रीच आउट कर रहे हैं, आप सोच सकते हैं, आप ट्राई कर सकते हैं दैट यू कैन थिंक अबाउट यू नो किसी के साथ कनेक्ट करना, बिजनेस करना, तो ये अगेन आपके लिए अच्छा है. और डिफरेंट सोर्सेज, अब वो किस तरीके से है वो तो ऑब्वियसली डिवाइन आपको बताएंगे, वक्त बताएगा आपको. चलिए एक और कार्ड हम देख लेते हैं, एंड देन वी सी व्हाट गाइडेंस डू वी हैव फॉर यू. एक गाइडेंस, एक कार्ड देखेंगे कि कैंसेरियंस के लिए क्या एनर्जी है. ओके, सो द थिंकिंग वुमन का कार्ड आ रहा है. आई थिंक इट्स टाइम फॉर स्टेपिंग फॉरवर्ड. मुझे लगता है आप ना लाइक क्रॉस रोड्स पे हो, किस सिचुएशन यू नो रिलेशनशिप को लेके भी, करियर, आर्कएंजल माइकल यहाँ पे हैं आपको गाइड करने के लिए, आपको प्रोटेक्ट करने के लिए. एक स्टेबिलिटी, मुझे ऐसा लगता है कि अब वो स्टेबल हो रहा है, रूट चक्रा आपका जो है वो स्ट्रांग हो रहा है, बट स्टिल देयर इज सम कन्फ्यूजन कि क्या करें, कैसे करें, आगे बढ़ें. सो इट्स ऑल अबाउट डिसीजन मेकिंग, वर्क प्लेस पे भी और यू नो रिलेशनशिप को लेके भी. चलिए और देख लेते हैं
वट यू नीड टू वर्क अपॉन पेशेंस, पेशेंस रखने की ज़रूरत है आपको. एंजल्स कह रहे हैं कीप लिटिल पेशेंस एंड यू आर गुड टू गो. और आई एक्सेप्ट डेट एवरी थिंग हैपन्स इन डिवाइन ऑर्डर. जो भी होता है डिवाइन के हिसाब से होता है, डिवाइन ऑर्डर पर होता है ग्रोथ. आई वॉन्ट टू एक्सपैंड माई कॉन्शियस. अपनी कॉन्शियस को अलाउ कीजिए, अपनी इनर कॉन्शियस को अलाउ कीजिए कि वो आपको गाइड करे और अपनी अवेयरनेस को बढ़ाइए. ठीक है, अगेन वो अपने दायरे को बढ़ाइए, सीमित मत रखिए. चाहे वो रिलेशनशिप है, चाहे वो करियर है, चाहे कोई भी एक से यू नो एस्पेक्ट है लाइफ का, इवन स्टूडेंट्स एज वेल. ओके, तो अपने सोच के दायरे को बढ़ाइए, अपना विजन जो है वो थोड़ा सा चेंज कीजिए और उसमें उस छोटे एरिया से बाहर निकल के, उस छोटे जोन से बाहर निकल के एक्सपैंड, तो ग्रोथ होगी आपकी लाइफ में. सो दिस इज़ वट वी आर गेटिंग फॉर ऑल यू पीपल. आई होप आपको रीडिंग पसंद आई हो. एंड डू लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन. और मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीक. सो टेक केयर.